हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। जैसे कि आज हमारा मॉक टेस्ट 2 हमारे भिलाई इंस्टीट्यूट पे था, तो आज हमारे साथ जो स्टूडेंट है शिवम है, जिन्होंने ये पेपर दिया है, तो उनसे जानते हैं कि हमारा जो मॉक टेस्ट का पेपर था वो कैसा था। तो शिवम जी बताइए कि हमारा जो पेपर था उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग था कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था, और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो लो लेवल था कि मॉडरेट था कि टफ था, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था और लेवल कैसा था। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन का लेवल जो था काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी मतलब रियल जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइप का फीलिंग आया। और जो पेपर का लेवल था, मैं बोलना चाहूँगा कि मॉडरेट मेरे को लगा, थोड़ा सा मेरे को लगता है इसी टाइप का आएगा एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो है माइंड प्रिपेयर हो जाएगा ये टेस्ट देके, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। तो शिवम जी, आप हमारा पहला टेस्ट भी दिए थे, पहला मॉक टेस्ट भी दिए थे, तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई, और क्या वो जो गलतियाँ मॉक टेस्ट 1 में हुई थी क्या वो मॉक टेस्ट में हुई, या फिर आप उसको रेक्टिफाई कर पाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर, गलतियाँ तो हुई थी पहले मॉक टेस्ट में। यस यस, और इसमें भी कुछ कुछ गलतियाँ हुए जो हुआ है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे नॉन टेक जो था हल्का सा, मेरे को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर वगैरह, तो वो गलतियाँ जो है अगली बार जो। तो देखिए, आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, या फिर ये सारी चीज़ें क्लियरिटी होती हैं कि आपने सब्जेक्ट तो पढ़ रखा है और आपको ये लगता है कि आपको चीज़ें याद है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो चीज़ रिमाइंड नहीं हो पाती, या फिर अगर आपने कभी गलत पढ़ लिया होता है कोई फॉर्मूला, अगर गलत पढ़ लिया होता है और यहाँ पर आप जा आके वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चन आता है जो आपने पढ़ा वो आप मार्क करते हैं, फिर बाद में जब आप देखते हैं कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया है, उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं, तो वो गलती जब आप पढ़ते समय आपने गलती कर लिया था, वही गलती अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, सो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग जो है वो मिलेगी, और क्या पता आपका एग्जाम ना निकल पाए। सो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जैसे कि शिवम जी ने कहा कि पहले, जैसे कि शिवम और मैं आपसे बात करूं तो पहले टेस्ट में जब आप दिए थे तो क्या बबलिंग में कुछ मिस्टेक हुआ था, या फिर स्पीड को लेकर आपने रेक्टिफाई किया कि पहले टेस्ट में मेरा तो स्पीड कम हो गया था, या फिर पहले मुझे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे जो आसान थे, या फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस पे चला गया था जो न्यूमेरिकल पोर्शन था और उसमें मैं बहुत समय उसमें वेस्ट कर रहा था, कुछ ऐसा सीखने को मिला आपको मॉक टेस्ट 1 से, फिर मॉक टेस्ट 2 में आपने अप्लाई किया उसको, कुछ ऐसा सीखने को मिला आपको? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम रहता है 3 घंटे का रहता है, काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट टाइम रहता है, अगर एकदम आराम से भी हम लोग बनाएं तो टाइम कम नहीं पड़ता है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, आराम से बनाइएगा, और वही चीज़ जो है वो उस डर को दूर भगाने के लिए टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। धन्यवाद शिवम। तो जैसे शिवम ने बताया कि आप सभी मॉक टेस्ट ज़रूर दे के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद। थैंक यू।